हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। फ्रेंड्स, आज एक छोटा सा क्वेश्चन है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या होता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस बॉडी की एक कंडीशन होती है कि जबकि बॉडी में लैक्टेज एंजाइम की कमी हो जाती है। बॉडी में जो एक एंजाइम होता है लैक्टेज, उस एंजाइम की कमी हो जाती है। और जब लैक्टेज एंजाइम की बॉडी में कमी हो जाती है तो उससे ये हो जा इससे ये होता है कि जो लैक्टोज है उसका डाइजेशन नहीं हो पाता। लैक्टोज जो एक तरह का शुगर होता है जो कि मिल्क प्रोडक्ट में पाया जाता है, और उसके डाइजेशन में लैक्टेज एंजाइम हेल्प करता है, लैक्टोज के डाइजेशन में। तो जब लैक्टेज एंजाइम नहीं रहता बॉडी में, उसकी कमी हो जाती है, तो फिर लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाता, तो फिर वो इनडाइजेशन वाली कंडीशन रहती है, ओमिटिंग और गैस की प्रॉब्लम, इस तरह की कंडीशन रहती है। तो उसी को कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। मतलब ये है कि लैक्टेज एंजाइम की कमी से अगर लैक्टोज का डाइजेशन नहीं हो पाता तो उस कंडीशन को कहा जाता है, बॉडी की उस कंडीशन को कहा जाता है लैक्टोज इंटॉलरेंस। और इसके सिम्टम्स डायरिया और जो इनडाइजेशन वाली प्रॉब्लम होती है, उसी तरह की के सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस में। तो उम्मीद करते हैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर इसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, कोई और क्वेश्चन है, तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।